थे आप सभी का एक स्टडी आई टी यूट्यूब चैनल पर इंडियन नेवी इनसेट इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 1/2024 इसकी जो वैकेंसी आई थी इसका फाइनली यहां पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है जारी हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसके फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरेंगे इसका वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे शाम तक इसी चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो डिटेल नोटिफिकेशन है पहले उसको देख लेते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, कहाँ कहाँ आपके एग्जामिनेशन होंगे, वो सब कुछ इस डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। आईटीआई कैंडिडेट को यहाँ पे आईटीआई के अप्रॉक्स 64 ट्रेड हैं उनको यहाँ पर मौका मिल रहा है फॉर्म भरने का। तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, बहुत ही अच्छी जॉब है आप सबके लिए ये, तो इसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। इसका क्या क्या पैटर्न रहेगा उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको पूरी जानकारी इस वैकेंसी की मिल सके। इसकी जो 2023 की वैकेंसी थी इसका आप लोग एग्जाम भी दिए होंगे, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वेटिंग में है, बट बहुत जल्द मे बी 1 से 2 महीने के अंदर उसका रिजल्ट भी जारी हो सकता है। ये नोटिफिकेशन हम आप सबके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं। तो ये वैकेंसी आप सबका ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आईटीआई एंड डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी एनजी यानी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है जो आपका 35,400 यहाँ पे इनिशियल आपका बेसिक होगा, यानी इसमें आप 17,000 जो है अपना लगभग 17,500 के अप्रॉक्स डीए जोड़ दीजिए, इसके बाद बाकी एचआरए एंड अदर बेनिफिट सब कुछ जोड़ने के बाद आपकी सैलरी अप्रॉक्स यहाँ पर जो है कम से कम 55,000 से 60,000 रुपये बनेगी। ठीक है, चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप एक वैकेंसी है, चार्जमैन फैक्ट्री 10 पोस्ट है, चार्जमैन मैकेनिक 18 पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 पोस्ट है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जनरल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेस्टेड में ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की सिर्फ 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व में एक एससी कैटेगरी में। तो एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आप लोग भी यहाँ अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, यानी सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहती है, यानी सब इसमें फाइट कर सकते हैं अगर आप अच्छा नंबर ले आते हैं उस केस में। फिर है फायरमैन की पोस्ट, ये भी आपका ग्रुप बी की पोस्ट है लेकिन यहाँ आपका जो बेसिक होगा 19,900 होगा, यानी इनिशियल सैलरी आपकी अप्रॉक्स 35,000 के आसपास होगी और यहाँ पे आपकी 40,000 के आसपास इनिशियल सैलरी रहेगी। अब इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है वो कमांड वाइज है, जैसे देखिए पहले आपका वेस्टर्न नेवल कमांड में टोटल 237 पोस्ट है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 99 है, साउदर्न में आपका 60 है और अंडमान एंड निकोबार कमांड में 48 है। कुल वैकेंसी यहाँ पर 444 पोस्ट है। ठीक है, तो ये है आपका ग्रुप सी नॉन गेस्टेड। अब इसके बाद आपका टेबल सी फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है जिसमें फिर से आपका कमांड वाइज वैकेंसी है कुल 58 एंड फिर वैकेंसी आती है ट्रेड्समैन मेट की। अब ट्रेड्समैन मेट की जो पोस्ट है यहाँ पे भी आप देखेंगे जब, तो इसमें भी आप देखिए वेस्टर्न कमांड में 135 है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 15 है और साउदर्न में यहाँ पे 11, टोटल 161 पोस्ट है। इसमें आईटीआई कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, 18,000 इनिशियल आपका बेसिक रहेगा जिसमें आपकी अप्रॉक्स सैलरी 30,000 से 35,000 रुपये इन हैंड बनेगी। ठीक है, फिर पेस्ट कंट्रोल वर्कर का है, अब इन सब का हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म भर पाने के लिए आपको देखना होगा एमटीएस में 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, 16 पोस्ट है। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन पे, इसके पहले भी हमने आपको बताया था, बस एक डिटेल नोटिफिकेशन आ गया तो इसमें आपको ये जानकारी देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एज लिमिट आप लोग देख लीजिएगा कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, एज लिमिट थोड़ी कम ही रखी गई है लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी को छूट नहीं मिलेगी बट ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो 18 से 25 साल यहाँ पर वैकेंसी जो है ट्रेड्समैन मेट में 18 से 25 साल जो है एज लिमिट मांगा गया है। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास या तो बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में या आपने केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चार्जमैन फैक्ट्री, यहाँ पे भी आपने बीएससी किया हो पीसीएम से या आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कंप्यूटर वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है चार्जमैन मैकेनिक, यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल का, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो बीएससी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या ओशियनोग्राफी में किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मटेरियल एनालिसिस एंड टेस्टिंग टेक्निक में या आपने मशीनरी नॉइज़ एंड वाइब्रेशन मूवमेंट एनालिसिस में किया हो। ठीक है,
या केमिकल एनालिसिस ऑयल्स का, लुब्रिकेंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट का, इसका आपके पास एक्सपीरियंस हो, या आपने कोरोजन प्रोसेस पे कोई स्टडी की हो। ठीक है, ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की पोस्ट है, जिसमें यहाँ देखिए ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है आप सबके लिए। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास हो आप, 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट हो ड्राफ्टमैनशिप का, यानी आपने ITI किया हो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में, या आपने 3 साल की अप्रेंटिसिप की हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राफ्टमैनशिप में, या ITI सर्टिफिकेट हो 2 साल का, ठीक है, ITI सर्टिफिकेट हो एंड 2 ईयर्स की ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग हो, सर्टिफिकेट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्टेड बाई NCVT जो आप करवाते हैं, किस ट्रेड में, शिपराइट, वेल्डर, प्लेटर, सीट मेटल या शिप फिटर में। यानी ड्राफ्टमैनशिप में जिन्होंने ITI किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर्स की अप्रेंटिसिप हो ड्राफ्टमैनशिप में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने 2 साल की ITI की हो किस में, शिपराइट में, वेल्डर में, प्लेटर में, सीट मेटल में या शिप फिटर में, प्लस आपने ट्रेड अप्रेंटिस भी की हो, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस क्यों मांगा गया 2 साल का यहाँ पे, क्योंकि ये ITI सर्टिफिकेट 1 साल के होते हैं, सीट मेटल हो गया, वेल्डर हो गया, तो 2 साल की अप्रेंटिसिप तो नहीं होती, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, 1 साल की अप्रेंटिसिप हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास साथ में। लेकिन यहाँ पे आपके पास AutoCAD यानी AutoCAD का भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स DOEX सोसाइटी से AutoCAD का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आते हैं फायरमैन पे, इसमें आपने 12th क्लास पास किया हो, एलिमेंट्री या बेसिक या ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका मायने रखता है जो कि दिया गया है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग फायर इंजन ड्राइवर पे, यहाँ पे 12th पास हो आप, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे भी काउंट किया जाएगा आपका। ये ट्रेड्समैन मेट पे आते हैं जिसका ITI छात्र फॉर्म भर पाएंगे, आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपके पास ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में एंड ट्रेड की लिस्ट एनेक्सर 1 में दी गई है। टोटल 64 ट्रेड ऐसे हैं जो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। पेस्ट कंट्रोल में आपने 10वीं पास की हो एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कुक में आपने 10वीं पास की हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास कुक ट्रेड में, और MTS में आपने 10वीं पास की हो, या अगर आपने ITI किया हो किसी भी ट्रेड से तो आप फॉर्म भर सकते हैं MTS का भी। तो ITI छात्र स्पेशली यहाँ पे MTS का फॉर्म भर सकते हैं, ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म भर सकते हैं, एंड इसके अलावा जो ड्राफ्टमैनशिप वाला फॉर्म है उसे भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 12th क्लास पास हैं, बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप फायर इंजन ड्राइवर का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की क्या क्या रहेगी उस पर यहाँ पे एक डिटेल चीज़ें दी हुई हैं। जैसे ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो आपको प्रोडक्शन या मेंटेनेंस शॉप में काम करना पड़ेगा, जनरल जो क्लीनलीनेस है अपकीप है सेक्शन यूनिट का वो काम करना होगा, फोटोकॉपी हुआ, फैक्स करना हुआ, ये सब कोपा ट्रेड के कैंडिडेट काम करेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का कुछ सामान, उसको वार्ड में काम करना, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटी ये सब निभाना, आपको बहुत सारा यहाँ पे जितना काम है वो ट्रेड्समैन मेट में आपका रहने वाला है। ठीक है, एंड अगर MTS की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल मेंटेनेंस है रिकॉर्ड सेक्शन का, ठीक है, फोटोकॉपी, फैक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम, क्लीनिंग ऑफ रूम, ये सारा काम MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ का रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन हमने आपको पहले ही बता दिया है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 295 रुपये फीस रखी गई है जनरल OBC WS कैंडिडेट का, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वीमेन कैंडिडेट की कोई फीस यहां पे नहीं लगेगी। फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबको प्रोवाइड करा देंगे, उसके लिए आप लोग बार कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज, तो एग्जामिनेशन जो सिटीज़ हैं यहाँ देखिए, द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विल बी मेड अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी सिटी आपको एग्जाम के लिए मिल पाएगी वो यहाँ पे दिया रहेगा, उस सिटी में से आप चूज कर सकते हैं एंड 100% लगभग वही आपको सिटी जो है एग्जाम के लिए मिल जाती जो आप चूज करते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं, आपको अलग अलग उसका फॉर्म भरना होगा, अलग अलग आपको उसकी फ़ीस भी पे करनी पड़ सकती है। सेम डेट पे अगर आपका अलग अलग सेंटर पे एग्जाम होगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे आप उसे कर पाएंगे, किसे छोड़ेंगे, किसे आप अपीयर करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन की बात करें, सबसे पहले एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपके जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय होगा, यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, GK GS आपका, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही बेसिक से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है, आप लोग अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप इसमें पास कर पाएंगे। सिलेबस यहाँ डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, बट इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे डिटेल सिलेबस का, जिससे कि आप ट्रेड्समैन मेट का स्पेशली हम बनाएंगे, जिससे कि आप लोग आसानी से उसको कवर कर पाएँ पूरा। अब बात करें यहाँ पे
आगे की प्रोसेस की, तो फॉर्म भरने का आपको पता चल गया, ठीक है, एंड इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न आपको पता चल गया, ठीक। अब यहाँ बात कर लें ट्रेड की। ट्रेड से पहले फॉर्म भरना 20 जुलाई से शुरू हो चुका है, 2 अगस्त लास्ट डेट होगी, उससे पहले आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना है, फीस पे कर देनी है। कैसे करना है शाम तक आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करें उन ट्रेड लिस्ट की जो कैंडिडेट यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो ट्रेड की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो एनेक्सर 1 में आपको पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे आप जैसे ही आएंगे ये आपका पूरा ट्रेड का लिस्ट है, ठीक है। इसमें आप अपना ट्रेड देख सकते हैं, कारपेंटर, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक, CHNM, कोपा, ठीक है, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी है, कटिंग स्विंग है, डोमेस्टिक पेंटर, ड्राफ्टमैन, सिविल ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, मतलब मैक्सिमम ट्रेड आपको यहाँ पे कवर होता हुआ देखने को मिलेगा। ICTSM है, IT है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। नेक्स्ट आप और नीचे आएंगे, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये सारे आपको ट्रेड मिल जाएंगे। मैकेनिक RAC है या नहीं एक बार देख लेते हैं, ऊपर ही था वो शायद, ठीक। RAC भी है यहाँ पे, सीट मेटल वर्कर है, सर्वेयर है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स है, टर्नर, वेल्डर, मतलब मैक्सिमम ट्रेड आप देखेंगे यहाँ पे कवर हुआ है। आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा आप कौन से ट्रेड से हैं, आपका ट्रेड अगर नहीं कवर हुआ है तो आप एक बार यहाँ पे बता सकते हैं। प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर आई थिंक यहाँ पे नहीं है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर नहीं है, पेंटर जनरल है, बट PPO ट्रेड यहाँ पे नहीं है। मैकेनिक ट्रैक्टर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल भी है, मैकेनिक डीजल भी है, मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलर ट्रेड है वो यहाँ पे कवर किए गए हैं ट्रेड्समैन मेट में। तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जो भी इन ट्रेड से ITI कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।